पर इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर लाया जा सकता है, यानी ईडी दफ्तर ले जा रही है ईडी की टीम। देखिए ये जानकारी मिल रही है, ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है। ईडी की टीम जो मौजूद थी अरविंद केजरीवाल के घर पर, दो ईडी की टीम लगभग 14 से 15 अधिकारी, अब ईडी दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को लेकर जा रही है ईडी की टीम। तो यहां पूछताछ की गई और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम सीएम आवास से ईडी दफ्तर जा रही है। ईडी दफ्तर अरविंद केजरीवाल को ले जाया जा रहा है और ईडी दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के समर्थक और तमाम नेता आम आदमी, ये जो जानकारी हमें मिली है वो आम आदमी पार्टी दफ्तर की तरफ से जानकारी मिली है, यानी आम आदमी पार्टी दफ्तर की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का दावा, अरविंद केजरीवाल को ईडी ले जा रही है ईडी के दफ्तर, ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ से, आम आदमी पार्टी ऑफिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम ले जा रही है ईडी दफ्तर। एक बार फिर विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, क्या वहां पर आप देख पा रहे हैं, क्या वहां पर हलचल और ज्यादा तेज हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दफ्तर की तरफ से दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल को ईडी की टीम ले जाएगी यहां से दफ्तर। यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी तादाद में आम आदमी पार्टी के समर्थक पहुंच चुके हैं, जो कि लगातार यहाँ पे नारेबाजी करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पे एहतियात के तौर पर काफी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है। लगातार यहाँ पे नारेबाजी जो है वो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा की जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता भी कहा तो यहाँ पे अगर ये लोग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ महिलाएं भी पीछे नहीं है, काफी तादाद में महिलाएं भी यहाँ पे पहुंची हुई है, जो कि वो भी नारेबाजी करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ की अगर बात करें तो लगातार नारेबाजी का दौर बदस्तूर यहाँ पर जारी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफी तादाद में जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पर जो है महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर नारेबाजी करती हुई नजर आ रही है। ये देखिए यहाँ पे आम आदमी पार्टी के समर्थक जो है वो पहुंचे हुए और लगातार नारेबाजी का दौर बदस्तूर जारी है। केजरीवाल के समर्थन में, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में तमाम नेता और कार्यकर्ता सीएम आवास के बाहर मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली में। लेकिन आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी दफ्तर की तरफ से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के दफ्तर ले जाया जा रहा है और ईडी के दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जितेंद्र हमारे साथ मौजूद है, जितेंद्र क्या जानकारी मिल रही है, आम आदमी पार्टी ऑफिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है? देखिए ऐसा मेरी जानकारी में कोई दावा भी नहीं किया गया आम आदमी पार्टी तरफ से, लेकिन आम आदमी पार्टी ये जरूर कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने ईडी पहुंची है। तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है और जो आम आदमी पार्टी का संशय वो पूरा होता है तो उन्हें ईडी देखिए अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए हैं, नारेबाजी की जा रही है यहाँ पर। अरविंद केजरीवाल आपके घर के ठीक बाहर की तस्वीरें, आवास के बाहर, हालांकि पुलिस व्यवस्था बहुत ज़्यादा चाक चौबंद है, लेकिन सीएम के घर के बाहर, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं और नारेबाजी वहां पर की जा रही है। हर कार्यकर्ता का यह कहना है कि मैं भी केजरीवाल हूं, हमें भी अरेस्ट कीजिए अगर आप अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर रहे हैं या गिरफ्तार कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के बाहर। इस बीच जानकारी मिल रही है, सवालों का साफ जवाब नहीं दे रहे हैं सीएम, ईडी के सूत्र ये कह रहे हैं जवाब नहीं दिया तो हिरासत में पूछताछ की जाएगी, यानी कस्टोडियल इंटेरोगेशन होगी अगर जवाब नहीं दिए जो ईडी चाहती है कि जवाब मिले उन्हें। सारे गैजेट्स का डेटा ईडी ने डंप किया है, यानी सारा डेटा ले लिया है, केजरीवाल का फोन ईडी जब्त कर चुकी है। देखिए ये इस वक्त की बड़ी जानकारी जो ईडी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, जैसा आप पहले भी कह रहे थे कि जो सवाल ईडी चाहती है, जिन सवालों के जवाब चाहती है, अगर जवाब नहीं मिले तो फिर कस्टोडियल इंटरोगेशन हो सकती है, यानी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है। क्या उस ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ये मामला, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं ईडी के कि सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल?
जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ की जा रही है एक्साइज पॉलिसी को लेकर, आबकारी घोटाले को लेकर, उसमें स्पष्ट जवाब अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईडी के सामने नहीं दिए गए। तो ऐसे में ईडी के पास हक है, ये राइट है कि अरविंद केजरीवाल को कस्टोडियल इंटरोगेशन कर सकती है, यानी कि हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। और अब से कुछ देर पहले हमारे सूत्र जिस तरीके से हमें बता रहे हैं कि कोशिश है ईडी की कि अरविंद केजरीवाल को ईडी हेडक्वार्टर लाकर उनसे पूछताछ की जाए, यानी कि उनके आवास से उनको निकालकर ईडी हेडक्वार्टर लाया जाएगा और वहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी आगे की। तो ऐसी जो संभावना है वो अब नजर आने लगी है थोड़ी देर। जी जितेंद्र, एक बार फिर विवेक का रुख करते हैं, सीएम आवास के बाहर इस वक्त क्या हो रहा है वो दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। देखिए विवेक, हम देख सकते हैं तस्वीरें सीएम आवास के बाहर नारेबाजी की। विवेक, देखिए बात जब सीएम आवास के ठीक बाहर हम मौजूद हैं, देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो काफी तादाद में यहाँ पे पहुंचे हैं, जो कि लगातार यहाँ पे नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के काफी नेता जो है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। एहतियात के तौर पर सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे काफी तादाद में चलाते गए, लेकिन ये कार्यकर्ता अब जमीन पर बैठ चुके हैं और यहाँ पे जमीन पर बैठकर लगातार नारेबाजी करते आ रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे किस कदर जो है नारेबाजी करते हुए ये लोग नजर आ रहे, सीधे बातचीत करने कहाँ से नहीं चलेगी। ये जो भाजपा का गठबंधन है उसके साथ ईडी, सीबीआई और तमाम सरकारी लोकतांत्रिक एजेंसियां मिली हुई है, ये सारे का सारा मिसयूज हो रहा है। ये सारे लोग यहाँ पर जो है बीजेपी पर काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरने की तैयारी की जा रही है। इसी के चलते यहाँ पे जो लोग हैं ये पहुंचे हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं जो कह रहे हैं कि हम भी केजरीवाल हैं। देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर जो है नारेबाजी करते हुए यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं और इसी तरह की तस्वीरें ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के ठीक बाहर देखने को मिल रही है।